बुढ़ापे में क्या करूं? दादी माँ कहते हुए चला गया। मैं पुकारती रही कि खाना तो खा लो, परंतु खाया ही नहीं। कोई बात नहीं यशोदा, हो सकता है उसे भूख नहीं लगी हो, बाद में खा लेगा। पर ये दादी माँ है कौन? पुष्पा की सास। क्या हुआ पुष्पा की सास को? वही तो कन्हैया की दादी माँ है, और उसे ही कमरे में पुष्पा ने बंद कर रखा है, खाना तक नहीं दिया। राम राम, क्या इसीलिए कन्हैया ने खाना नहीं खाया? पर कन्हैया को पता कैसे चला कि पुष्पा ने अपनी सास को खाना नहीं दिया? जो भी हुआ गलत हुआ, पुष्पा अपनी सास को कमरे में बंद कैसे कर सकती है? ये आवाज कहां से आई? रसोई घर से। जल्दी चलिए। ये क्या हो रहा है? मैंने जब खाने के लिए कहा तो मना कर दिया, और अभी खाना? नहीं माँ, ये दादी के लिए है। तो तुम स्वयं लेकर जाओगे? हाँ पिताजी, मैं स्वयं दादी माँ को खिलाऊंगा। तब तुम मुझे खिलाना अपने हाथ से। छुड़ाने कृष्ण के पास तुम गई थी। मेरे कृष्णा की बांसुरी सुन रही हो ना तुम? मेरा कृष्णा आ रहा है, मेरी पुकार उसने सुन ली।
वो आ रहा है, आ रहा है। लेकिन मैं उसे लाड प्यार नहीं कर सकती। बहू, बहू मुझे जल्दी बाहर निकालो, जल्दी बाहर निकालो। मेरा कृष्णा आ रहा है, मुझे उससे मिलना है। बहू मुझे बाहर निकालो, बहू मुझे बाहर निकालो। जा रहे हो लल्ला? काना, तुम हमारे साथ ऐसा करोगे तो हम तुम्हें जाने नहीं देंगी। अब बताओ किसके भाग खुले हैं जिसके लिए तुम खाना लेकर जा रहे हो? मेरे। तुम्हारे? जाने दो। पहले बांसुरी तो सुनाओ। ठीक है। दादी माँ,
दरवाजा खुला क्या? कन्हैया तुम? दादी माँ प्रणाम। कन्हैया आ गया, आ गया मेरा बेटा। बेटा आजा, आजा बेटा आजा, आजा आजा मेरी गोद में आजा बेटा, आजा आज मेरा बेटा। चलो मेरी पुकार सुनकर आ गए तुम। दादी माँ रो मत, आपके लिए खाना लाया हूँ। ताऊ खाना दो। दादी माँ खाना खाओ। तुमने खाया नहीं? क्यों? पहले दादी माँ, फिर दादी माँ का कन्हैया। अब मुझे विश्वास हो गया कन्हैया, सच्चे दिल से तुम्हें पुकारो तो तुम आते ही हो। स्वामी पता है कारागार के रक्षक क्या कह रहे थे? क्या? समझ लीजिए हमारे बारे में ही कह रहे थे, हमारे कृष्ण के बारे में कह रहे थे यदि कृष्ण को सच्चे दिल से याद करो तो वो अवश्य मिलने आता है। देवकी क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? क्या हो सकता है? स्वामी कृष्ण मथुरा नरेश के पास आया था, यदि हम उसे सच्चे दिल से याद करेंगे तो क्या वो हमसे भी मिलने आएगा? हाँ देवकी, यदि कृष्ण कंस से मिलने के लिए आ सकता है तो हमें भी मिलने आएगा। सच? कभी अपनी माँ की याद नहीं आती? अपनी माँ की आंखों की प्यास बुझा दो पुत्र, हमसे मिलने आ जाओ, हमसे मिलने आ जाओ। मेरे पुत्र क्या कभी अपनी माँ की याद नहीं आती? अपनी माँ की आंखों की प्यास बुझा दो पुत्र, हमसे मिलने आ जाओ, हमसे मिलने आ जाओ। Thank you.
माँ। यादें ही मैं सदा आपके साथ हूँ माँ। तुम कहाँ हमारे पास हो? तुम तो वहाँ गोकुल में हो ना? गोकुल मथुरा केवल नाम है मेरे लिए। हर वो स्थान गोकुल और मथुरा है जहाँ मुझे सच्चे दिल से याद करता है। मैं आपसे दूर नहीं हूँ, आपके हृदय में हूँ, आपकी आत्मा में हूँ। आप मुझ में हैं और मैं आप में हूँ। मेरे चारों तरफ आप हैं और आपके चारों तरफ मैं। आंखें बंद करके अपने मन में देखिए। वचन पूरा किया, वो आपसे मिल कर क्या है ना? हाँ देवकी, अब हम जब चाहेंगे हमारे पुत्र कृष्ण से मिल सकते हैं। वो हमारे हृदय में है, हमारे चारों ओर है। बस हमें अपनी आंखें बंद करके उसे मन में देखना होगा। मैं फिर से अपने पुत्र से मिलना चाहती हूँ स्वामी। काना जी बसते सदा निज भक्तन के पास, अपने चाहने वालों को करते नहीं निराश। जब कोई लेत प्रभु का नाम, प्रभु जी दर्शन